समय पश्चात शुरू होने ही वाला है। गैंगासर वर्सेज जयपुर के मध्य दोनों टीम और एक बार बैठ ले आज के कार्यक्रम के मेहमान दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए टॉस होने को जाएगा और आज की एक दो तीन की आवाज है। आप सावधान की पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। और एक पहला ओवर समाप्त, पहले ओवर के समाप्ति पर 5 रन बिना किसी क्षति के टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया था। प्रतियोगिता का फाइनल, मेगा फाइनल जाभासर के वानखेड़ा स्टेडियम में खेला जा रहा है। स्टेट को क्या एक नया आयाम दिया उसने। विशाल है तो अपना हाथ ऊपर करें। बहुत शुक्रिया विशाल, अपने कोटे का पहला इनिंग्स का दूसरा ओवर लेकर सामने हैं। एक बार फिर इमरान विशाल लंबा बॉलिंग नंबर दौड़ना शुरू किया। लंबे कद के खिलाड़ी राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे। और क्राउड देखिए आज, मजा ही एक अलग सा है, एक अलग सा अनुभव। मानो ऐसा लग रहा है सच में ही कि आज तो बॉम्बे के वानखेड़ा स्टेडियम में आकर ही लोग बैठकर इस मैच का आनंद ले रहे हैं। डगआउट गैंगासर का भी जब एक आधा चार या छह लगता है तो क्राउड की आवाज आती है। और वहीं जाभासर ये जयपुर के डगआउट से भी बड़ा शोरगुल। विशाल एक बार फिर अपने कोटे का पहला इनिंग्स का दूसरा ओवर लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। और इस बार गेंद को पॉइंट होगा लेकिन वहां पे फील्डर जरूर, बहुत अच्छी फील्डिंग। एक रन अवश्य मिलेगा इमरान को, इस एक रन के सहारे बढ़ता उसको जा पहुंचा 6 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। प्रतियोगिता का मेगा फाइनल जाभासर के वानखेड़ा स्टेडियम में जयपुर और गैंगासर के मध्य खेला जा रहा है। दर्शकों से खचाखच ही लबालब रहा स्टेडियम। और इस बार सनीफ ने गेंद शानदार बल्लेबाजी करते हुए जयपुर को एक तरफा इस मैच में जिताया है। और इस नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता जाभासर शहीद क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में जयपुर ने इस मैच को विजेता हासिल किया। क्या शानदार, देखिए जितने भी दर्शकगण हैं उनसे आप प्लीज मेरा रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी दर्शकगण हैं आप मेरी आवाज सुन पा रहे प्लीज। और वैसे आपका दायित्व पता है, डिजर्व भी करती थी आपकी टीम बिल्कुल। और जितने भी शहीद स्पोर्ट्स क्लब के कार्यकर्ता प्लीज, जितने भी शहीद स्पोर्ट्स क्लब के कार्यकर्ता हैं कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाएं। और जितने भी दर्शक हैं नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। आज हम जाभासर में खड़े हैं। जाभासर में जो रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता शहीद स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा करवाई जा रही है, आज उसका फाइनल है। फाइनल मैच जो है वो गैंगासर विशेष जयपुर के मध्य खेला जा रहा है। बड़ा टूर्नामेंट है, अपने क्षेत्र का बोलें, जिले का बोलें तो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। यहाँ इनामी राशि है वो है 111,000 और उपविजेता को 51,000। इसी बीच अपने क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी, बड़े प्लेयर, रणजी के प्लेयर नदीम धनूरी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो आइए इस टूर्नामेंट के बारे में नदीम धनूरी से भी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, पहले से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी जो हौसला अफजाई की है, मेरा इंटरव्यू किया उसके लिए। और बाकी इस ग्राम के बारे में कहूँ तो ये एक क्रिकेट नगरी है, यहाँ क्रिकेट हमेशा से होती आ रही है और ये एक अच्छा ग्राम है, मतलब क्रिकेट को बढ़ावा देने वाला ग्राम है। यहाँ मेरी प्रारंभिक क्रिकेट यहीं से स्टार्ट हुई है, तो ऐसा आयोजन इस गांव के लिए आम बात है, जो मतलब
प्रेजेंट में जो क्रिकेट को अपने क्षेत्र में सोखा था, तो टेनिस यहाँ जावासर क्रिकेट ग्राम ने जो क्रिकेट करवाई है उसके लिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेलने का मौका मिला है, उसके लिए इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऐसे ही उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे टूर्नामेंट कराते रहिए और प्लेयर का हौसला अफजाई करते रहिए। बड़े टूर्नामेंट होते रहते हैं और बड़ा टूर्नामेंट्स में आप जाते रहते हैं, आज छोटे से गांव में और इतना बड़ा टूर्नामेंट, क्या लेवल आप इसका डिसाइड करें? वो आपके सामने आप देख सकते हैं किस लेवल का मतलब टूर्नामेंट घटा है, जिस तरह से इसका आगाज हुआ था उसी तरह से इसका समापन भी होने जा रहा है आज। और अपने क्षेत्र में 1,11,000 का टूर्नामेंट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो मैं जावा सर के ग्रामवासियों को पूरे ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने अच्छा टूर्नामेंट आयोजन करवाया है और आगे भी ऐसे कराते रहे, ऐसी मेरी इनके लिए शुभकामनाएं हैं। शहीदों के इस गांव में फाइनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, आज का फाइनल मैच हो रहा है ग्यांग्या सर्विसेज जयपुर। जयपुर से बड़े सितारे, आज राजस्थान के भी बड़े सितारे नत्थू सिंह जो आईपीएल प्लेयर हैं, इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर हैं, आज जावासर आए हैं, तो आइए इनसे भी इस टूर्नामेंट के बारे में जानते हैं। पहली बात तो ये टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है और मैंने ऐसा टूर्नामेंट होते बहुत कम देखा है, और जो प्लेयर्स निकल रहे हैं टेनिस के लिए, चाहे वो टेनिस से खेलते हो चाहे लेदर से खेलते हो, उन लोगों को काफ़ी मतलब इन चीज़ों से सीखने को मिल रहा है टेनिस से एक्चुअली, और ये टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है। और जो कमेटी है उन्होंने बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराया, पहले तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो प्लेयर्स निकल रहे हैं अदर अदर जगह के लोग आके खेल रहे हैं, तो इनका शुक्रिया अदा है कि ये भाई इनको करना चाहिए, इनको अच्छा खेलना चाहिए, यहाँ से इनके प्लेयर्स निकलने चाहिए, जैसे टेनिस में निकल रहे हैं वैसे लेदर से भी निकलने चाहिए झुंझुनू से। मीन्स आपने नेशनल खेला है, इंटरनेशनल खेला है, नाइट और डे टूर्नामेंट्स खेले हैं, और जावासर में आज ये टूर्नामेंट्स हो रहा है, इसका कंपेरिजन उनकी तुलना में? देखो जावासर में टेनिस के हिसाब से बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, मैंने और भी पहले मैं टेनिस से ही खेलता था, तो पहले इतने अच्छे टूर्नामेंट खेलने को मिलते नहीं थे, ऐसे नाइट मैचेज होते नहीं थे, ऐसी कमेटियाँ होती नहीं थी, इतने अच्छे टूर्नामेंट होते नहीं थे, तो ये काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट करा रहे हैं और इनको और भी कराने चाहिए, अच्छे टूर्नामेंट और भी कराने चाहिए। क्षेत्र के बच्चों के लिए, छोटे खिलाड़ी जो निकल रहे हैं यहाँ से, जो पोत तैयार हो रही है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिस करें, यहाँ के जो टेनिस से खेल रहे हैं वो लोग यहाँ पे खेले, जो इनके सीनियर्स हैं उन लोगों से पूछे यहाँ पे, यहाँ के मैच देखे, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हर मैच में, कभी किसी को फील्डिंग करने को सीखने को मिलेगा तो कभी बॉलिंग का सीखने को मिलेगा, तो आना चाहिए सभी को, देखना चाहिए, खेलना भी चाहिए मैच। अभी तक का ये सफ़र आपका, इसके बारे में कुछ? अभी तक का तो अभी क्या मैं अपना पुराना वाला बताऊं या फिर यही वाला? स्टार्टिंग से तो बस लाइफ में वही चल रहा था, स्टार्टिंग में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलता था, फिर बाद में घर वालों ने फोर्स किया, थोड़े दोस्तों ने फोर्स किया, तो लेदर से स्टार्ट किया, पता नहीं था कि मैं इतने ऊपर लेवल पर जाऊँगा, सिर्फ मैं तो टाइम पास के लिए खेला था उस टाइम पर, कि पापा ने ये बोला कि ये बोले कि हम थोड़ा सा खेल लेगा 2-4 महीने इसका ख़त्म हो जाएगा, बट उनको नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था कि मैं आईपीएल के लिए खेलूँगा, मैं इंडिया के लिए खेलूँगा या इंडिया वगैरह व्हाटएवर जो भी है वो सब खेलूँगा। और अब वापस से अभी सर्जरी हुई है पैर की, तो लिगामेंट ब्रेक हुआ था मेरा दिल्ली कैपिटल से जब मैं खेला था उसके बाद में, तो अब मेरी रिकवर कर रहा हूँ और अब मैं वापस से वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट में शुरू किया था, मैं वहीं टेनिस बॉल से खेल के वापस से अपना रिदम ला रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक ही है और मैं ये कहना चाहूँगा जो लेदर बॉल से भी खेलते हैं, जो बॉलर्स हैं उनको टेनिस बॉल से जरूर मैच खेलना चाहिए, प्लस बैट्समैन को भी, क्योंकि बैटिंग टेनिस बैट में जो फ्लो होता है वही लेदर बॉल में भी बहुत अच्छा बेनिफिट करता है। जावासर में शहीदों की याद में ये क्रिकेट प्रतियोगिता टूर्नामेंट रात्रिकालीन किया गया आयोजन, इसमें आज फाइनल आखिरी कंपटीशन चल रहा है, गांगेसर बर्जी जयपुर के बीच में खेला जा रहा है। ये जो आयोजन यहाँ पे किया गया है ये हमारे सोहदा शहीदों की यादगार में मनाया जा रहा है, क्योंकि इस गांव में बहुत ज़्यादा शहीद हैं और यहाँ पे जो गेम खेला जा रहा है इसमें इंटरनेशनल प्लेयर भी हिस्सा ले रहे हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल प्लेयरों ने भी हिस्सा लिया है। बिसाऊ को ये इनाम अनिल जी मीणा का, और इसी कड़ी में साथ में 2100 रुपए का नगद इनाम भी दिया जा रहा है, और 2100 रुपए
जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। फूलों की बारिश होती हुई क्यों ना हो, बहुत अच्छा सफर रहा था। कि वो समझते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा और वो तरस जाएंगे मेरी एक झलक पाने को, मैं तो बादल हूँ कहीं और बरस जाऊंगा। क्या जबरदस्त तरीके से इसने बारिश की थी जयपुर के खिलाड़ियों ने। और क्यांगा सर के आठ खिलाड़ी, फारूक जी ने घोषणा की थी कि क्यांगा सर के कोई भी खिलाड़ी छक्के लगाएंगे तो मेरे ख्याल से उनके 800 रुपए हैं, तो वो आगे अपने 800 रुपए प्राप्त कर ले। 14 तालियां, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आ जाए आप, क्यांगा सर के खिलाड़ी आपके 800 रुपए भी हैं।